आज हम लोग विक्रमगंज में मौजूद है। विक्रमगंज में जितना भी लैब चल रहा है सब फेक है, लेकिन लाल पैथ जो है यही एक रजिस्टर्ड पैथ है, इसलिए जितना भी यहाँ पर जांच के लिए भी जितना भी पैथ बनाया गया सब फेक है। इसलिए हम विक्रमगंज में जितना भी मरीज आते हैं दिखाने के लिए उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो भी रजिस्टर्ड हो उसी में आप लोग ब्लड जांच कराएं। यहाँ पर विक्रमगंज एक अनुमंडल है और यहाँ पर SDO साहब भी बैठते हैं, लेकिन जितना भी विक्रमगंज में लैब चलता है सब फेक है, इसलिए इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव से भी आग्रह करता हूँ कि जितना भी फेक लैब है उस पर कार्रवाई करें, इसलिए कि जनता का एक मनुष्य का जीवन जीवन जो है एक बार ही मिलता है और फेक लैब से गलत रिपोर्ट देने से कितना की जिंदगियां खराब हो जाती है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलता। इसलिए जितना भी स्वास्थ्य जो सासाराम हुआ विक्रमगंज हुआ और डेहरी होम्स में जितना भी फेक लैब है जो जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है सरकार खाते में, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि जो जीवन मिलता है मनुष्य एक बार ही मिलता है, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। मैं निज इस्माइल से बोल रहा हूँ, रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।